कामयान न्यूज नेटवर्क, हर खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता से की हुई आह्वान, जनता कर्फ्यू का दानव प्रदेश में भरपूर समर्थन मिला। लोग अपने अपने घरों एवं अपने अपने परिवार को रविवार को अपने घरों में ही देखने को मिले। यह तस्वीर आपके समक्ष है कि किस प्रकार से लोगों ने इस आह्वान का समर्थन किया है। बाजार, मंडी, मॉल के साथ साथ परिवहन संचालन भी पूरी तरह से बंद दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस प्रशासन के हौसला बढ़ाने हेतु शाम 5 बजे सभी लोगों से अपने अपने घरों में और बालकनियों में निकलकर शंख, थाली, घंटी और ताली बजाते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, यह अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं आप। एक दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के सिलवासा क्षेत्र की है एवं एक यह एक एकजुटता और एकता का एक प्रतीक दर्शाया जा रहा है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा से जो आप यह तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने अपने घरों में निकलकर बालकनियों में आकर घंटी, थाली और शंख बजाते हुए दिख रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को स्वीकार किया है और अपने अपने घरों के बाहर निकलकर, अपने अपने बालकनियों में निकलकर थाली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से देख रहे हैं आप, सिलवासा का यह अद्भुत नज़ारा आपको दिख रहा है। यह दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव का यह इलाका है, यह दादरा नगर हवेली सिलवासा है, जहाँ पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भरपूर समर्थन दिया है। जी हाँ, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बालकनियों में लोग खड़े होकर, इकट्ठे होकर अपने अपने घरों से थाली निकालकर बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ताली मार रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। तो इस तरह का यह नज़ारा, एक अद्भुत दृश्य, एकता का प्रतीक दिखाई दिया है।